इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर नवसंकल्प कार्यशाला का आज से आगाज। नवसंकल्प कार्यशाला का आज से आगाज, अहम खबर आपको हम बताते हैं। यूपी कांग्रेस मुख्यालय पर नवसंकल्प कार्यशाला शुरू। तो यूपी कांग्रेस मुख्यालय पर नवसंकल्प कार्यशाला की शुरुआत प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी संबोधित। प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी यहां पर संबोधित भी करेंगी। और लखनऊ से खबर है, सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और पंडाल को सजाया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उदयपुर चिंतन शिविर में पारित उदयपुर घोषणा पत्र पर होगी चर्चा। तो उदयपुर घोषणा पत्र पर चर्चा होगी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर डिजिटल मेंबरशिप, आगामी चुनावों की रणनीति को लेकर भी चर्चा होगी और पार्टी और फ्रंटल संगठनों के प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल होंगे। सचिव प्रियंका गांधी आज लखनऊ आ रही है, उनका दो दिवसीय दौरा है। और आपको बता दें कि आज कांग्रेस जो कार्यालय है यहां पर आज पूरी तैयारियां की गई हैं। वो सीधे एयरपोर्ट से निकलकर प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगी, जहां पर तैयारियां की जा चुकी है। और साफ तौर से आपको बता दें कि ये दो दिवसीय नव संकल्प कार्यशाला का जो आज आयोजन किया जा रहा है, उसके तत्वाधान पे जो प्रियंका गांधी है वो यहाँ पर आ रही हैं। पुलिस फोर्स भी यहाँ पर लगी हुई है, तैनात है। आपको बता दें कि उदयपुर चिंतन शिविर में पारित उदयपुर घोषणा पत्र पर भी वो चर्चा यहाँ पर की जाएगी और डिजिटल मेंबरशिप को लेकर भी आज यहाँ पर चर्चा होगी और जो नगर निकाय चुनाव है उसको भी लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी बैठक है और बड़ा इंतजाम है आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर। और प्रियंका गांधी खुद यहां पर आ रही हैं, प्रदेश प्रभारी भी हैं, महासचिव भी हैं। तो आज उनका दो दिवसीय दौरा है। 1:55 पर वो एयरपोर्ट पहुंचेंगी और उसके बाद सीधे कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर आएंगे। और यहां पर जो भी सांसद हैं, विधायक हैं और जितने भी लोग 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे वो भी यहां पर आएंगे। जो भी कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, सभी आज का जो शिविर है उसमें शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक है और बड़ी बैठक में जो इनके नेता हैं, जो मंत्री हैं, सभी आज यहां पर शामिल हो रहे हैं। तो अभी अब से कुछ घंटों बाद जो कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर पहुंचेंगी और एक बड़ी बैठक में शामिल होंगी। कैमरामैन बिलाल के साथ लखनऊ, सफी अहमद के, न्यूज़ इंडिया।